एज्रा मिलर की पिछली अरेस्ट की खबर आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि वो हवाई में एक बार में था जहां पर इसने एक लड़की के हाथों से माइक छीना और फिर इसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी आए और इसको अरेस्ट भी किया गया। अभी इस बात को ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ होगा कि ये हवाई में दोबारा अरेस्ट हो गया। अभी ये चीज तो क्लियर नहीं है कि वो किस चीज के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन ये कन्फर्म है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब ये बंदा चाहता क्या है वहां पर हवाई में वो किसी को नहीं पता। मुझे लगता है अब जेल में इसकी बड़ी सी तस्वीर भी लगेगी कि ये यहाँ का रेगुलर कैदी है, इसको वहां पर लोग इज्जत से बुलाते होंगे कि इसका तो रोज का आना जाना है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है बंदा क्या चाह रहा है। अगर इसका कोई मेंटल हेल्थ का इशू है तो उसकी ट्रीटमेंट करे। ऑब्वियसली इसे मेंटल हेल्थ का इशू जरूर है क्योंकि ये कहता है लोगों को कि मुझे दे देम कहो, ही ना कहो, हिम ना कहो, तो मेंटल इशू तो है। और अगर इस करेक्टर को रीकास्ट कर लिया जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे तो शुरू से ये पसंद नहीं है। बस जो फ्लैश वाली जो मूवी आ रही है उसके आखिरी 15 मिनट में दिखाएं कि कोई और बंदा फ्लैश बन गया और ये सारा फ्लैश पॉइंट की वजह से हुआ। बात खत्म करें, इस चीज को खत्म करें। अजीब ही टेंशन डाली हुई है इसने।